चलो चलो टोनी सर के पास चलते, देखते हैं वो आज क्या कर रहे। वैसे ही वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है इसलिए उनके साथ रहना पड़ता है, वरना वो कुछ भी कर देते। अरे ये क्या, यहाँ पे इतना सारा सोना क्यों पड़ा है? अरे इतना सारा सोना, अरे टोनी सर कहाँ से चोरी करके लेके आए हो? अरे टोनी सर ये क्या कर रहे हो बताओ तो सर, इतना सारा सोना कहाँ से आया? अरे मुझे लगता है मुझे पुलिस में फोन करना चाहिए, ये टोनी सर कहीं से चोरी करके आए। अरे स्पाइडरमैन मेरी बात सुनो। अरे पहले मेरी बात सुनो, जल्दी बताओ ये सोना कहाँ से आया? अरे मेरी बात तो सुनो यार, ये सोना यार मैं लेके आया बैंक से यार, मुझे खरीद के लेके आया, मैं कुछ चोरी नहीं करके लेके आया। मेरी बात सुनो, मैं एक हल्कबस्टर बना रहा हूँ, वो भी सोने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हल्कबस्टर होगा, वो आज तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन होगा, ये सारा का सारा सोना मैं उसी में यूज करने वाला हूँ। अरे क्या सोने का हल्कबस्टर? अरे यार ये जो नॉर्मल हल्कबस्टर है ना, मैं इसको अपग्रेड करके सोने का हल्कबस्टर बना लूंगा, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अरे आप बस खुद के लिए सूट बनाते हैं, तो मैं देखो 10 साल से यही सूट पहन के घूम रहा हूँ। अरे तुम तो हो ही 10 साल के। अरे तो अरे तुम टेंशन मत लो, नीचे चार तुम्हारे लिए सूट रखा है। अरे क्या मेरे लिए सूट? अरे मैं तो ये क्या, पर कोई बात नहीं। अरे मेरा सूट कहाँ पे, मुझे मेरा सूट देखना है। अरे ये रहा वो सूट, अरे ये सूट तो बहुत ही बढ़िया है। अरे वाह वाह कितना मस्त सूट है, अरे वाह मजा आ गया सूट को देख के, तो फटाफट से सूट को पहन लेता हूँ और ये कटिया से सूट उतार देता हूँ। अरे जल्दी पहनते इसको। अरे वाह ये तो बहुत ही मस्त लग रहा है, अरे ये सूट को यहीं पे छोड़ देते। अरे ये नया नया सूट तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, अरे टोनी भैया बहुत ही बढ़िया सूट है, अरे इसमें तो मैं मस्त घूमने चाहूंगा, मजे आएंगे, मस्त सूट है ये तो। अरे तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज? अरे बहुत ही बढ़िया सूट है, पर थोड़ा है ना पैंट के नीचे से टाइट है, पर कोई बात नहीं मैं चला लूंगा। चलो टोनी भैया मैं जाता हूँ इसमें घूमने, और आप अपना गोल्ड वाला हल्कबस्टर बनाओ, बाय बाय। चलो यार इसमें घूमने चलते, बहुत मजे आएंगे। अरे वाह 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 ये तो उड़ने लग गया, अरे ये सूट तो उड़ता भी है, मजे आ गए। अब तो मैं लॉस सेंटोस में शहर जाके सबको बचाऊंगा, हेलो मैं लॉस सेंटोस वालो। अरे लॉस सेंटोस वालो मेरी बात सुनो, ये देखो मेरा नया नया सूट, और ये तो कुछ भी नहीं आयरन मैन भैया एक गोल्डन हल्कबस्टर बना रहे, वो भी पूरे गोल्ड का, और वो गोल्ड वो बैंक से लेके आए, वाह वाह वाह, चुरा के नहीं लेके आए, वो खरीद के लेके आए, बहुत ही बढ़िया सूट बनाने वाले हैं वो। अरे बॉस 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 मेरी बात सुनिए। हाँ मैं बोलना, क्यों चिल्ला रहा है? अरे बॉस मुझे पता चला है कि आयरन मैन एक गोल्डन हल्कबस्टर बना रहा है, और उसने बैंक से बहुत सारा गोल्ड लिया है, अगर हम बैंक से चुरा दे तो हमें बहुत दिक्कत आती है, एक काम कर सकते हैं, हम आयरन मैन के घर से वो गोल्ड चुरा सकते हैं। अरे बड़ो तू गोल्ड सोच ले, मैं तो उस हल्कबस्टर के बारे में सोच रहा हूँ, एक काम करो गोल्ड छोड़ो, उस हल्कबस्टर को चुराने के बारे में सोचो, क्योंकि हम उससे पूरे लॉस सेंटोस पे राज कर सकते हैं। चंगू मंगू जाओ और हल्कबस्टर चुरा के लेके आओ। ओके बॉस अभी हम जाते हैं, चल मंगू अपन दोनों जाएंगे और वो हल्कबस्टर चुरा के लाएंगे बॉस के लिए, और फिर हम लॉस सेंटोस पर राज करेंगे। चार्विस इसकी वॉल्यूम चेक करवाओ। मेरा नाम है हल्कबस्टर, मैं हूँ दुनिया का सबसे पहला गोल्डन सूट। अरे ये तो बिल्कुल ढंग से काम कर रहे, मुझे और भी चीजें देखनी है, पर अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, एक काम करते हैं थोड़ी देर सो जाते, फिर बाकी का सारा काम करेंगे, इसी सोफा पे सो जाता हूँ। अरे मंगू हम पहुंच चुके आयरन मैन के घर, सामने उसका घर है, चल फटाफट से डाका डालते उसके घर के अंदर और वो सूट चुरा लेते हैं। गन तो तेरे पास है ही, हम दोनों घुसेंगे और जो भी सामने आएगा उसको मार के वो सूट का सूट चोरी करके भाग जाएंगे, वो एक गोल्डन सूट है, हमें बिल्कुल चुपचाप जाना चाहिए, वो अगर वो पहले से तैयार हुए तो वो भी हमें मार सकते हैं। और वो देख सामने मुझे सूट दिख रहा है, मेरे पास गन भी है, कौन है सामने, मार दूंगा किसी को भी, कोई भी सामने आएगा सीधा खोल दूंगा, कौन है कौन है? अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है, अरे ये आयरन मैन तो यहाँ पे सो रहा है, अरे इसको मार दूं? नहीं नहीं काम करते, इसको सोने देते हैं, क्या पता इसके सूट की इसको गोली नहीं लगे, हम यहाँ से जल्दी इसको सूट को यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर बॉस हमसे खुश होंगे, हमें शाबाशी देंगे और ये गोल्ड भी चुरा लेंगे हम, क्योंकि टोनी स्टार्क को कुछ नहीं देंगे, फिर हम लॉस सेंटोस के सबसे खतरनाक गैंग मेंबर बन जाएंगे। जल्दी से मैं एक गाड़ी को फोन करता हूँ जिसमें हम इसको लेके जा पाएंगे, क्योंकि इसको मैं चला तो सकता नहीं हूँ। हेलो हमें गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली, जल्दी भिजवाओ, धमकी देने का ये सही है, जल्दी से जल्दी गाड़ी आ जाती है, हमारी गाड़ी आ चुकी है, हल्कबस्टर अपना रेडी है गोल्डन वाला, इसको फटाफट से यहाँ से लेके निकलते हैं, मंगू बाइक को और सारे गोल्ड को अपने पास लेके आ जाएगा। तो अभी हमने इस गाड़ी के ऊपर हल्कबस्टर को रख दिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मंगू आ जाइयो और कोई भी सबूत हो तो मिटा दियो, चल मैं चलता हूँ, उसको लेके चलते हैं अपने बॉस के पास, आज हमारे बॉस का सपना पूरा ही होगा। अरे मेरा नाम है हल्कबस्टर, मैं दुनिया का सबसे पहला गोल्डन सूट हूँ। अरे ये चालू हो गया क्या, इसके अंदर कोई बैठा है क्या? अरे मुझे जल्दी बॉस के पास जाना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है। अरे
चंकू जल्द से साइंटिस्ट को बुलवाओ, मुझे काम है। अरे साइंटिस्ट मेरी बात सुनो, ये एक गोल्डन सूट है और मुझे पता है कि तुम इसको और भी अच्छा बना सकते हो, तो इसको पूरा का पूरा रेडी कर दो और बहुत ही खतरनाक बना दो ताकि आयरन मैन इसको पहचान भी न पाए और ये सबसे खतरनाक बन जाए, पूरे पूरे लॉस सेंटर्स में तबाही मचा सके। यस सर, डोंट वरी, वी विल मेक दिस सूट वेरी वेरी खतरनाक, नो प्रॉब्लम टीम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या ही नींद आई यार, मजा आ गया, चलो अपना सूट। अरे मेरा सूट कहाँ चला गया, अरे मेरा सूट कहाँ गया, अरे 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 वो सूट कहाँ चला गया, अरे सारा का सारा गोल्ड का चला गया, अरे ये क्या हो गया, अरे सूट कहाँ चला गया, अरे नीचे क्या क्या, अरे जार्विस सूट कहाँ है, जार्विस, अरे जार्विस भी उसी के साथ चला गया, अरे स्पाइडरमैन वो सूट कहाँ है, अरे सर वो सूट तो आप बना रहे थे ना, मुझे कैसे पता होगा। अरे तुम पागल हो गया, तुम यार सिक्योरिटी नहीं कर सकते, मैं सो रहा था, अरे वो सूट किसी गलत हाथों में लग गया तो पूरा कल्याण हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूट है, तुम जाके उस सूट को ढूंढो, मैं भी ढूंढने जाता हूँ। ओके सर मैं जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया यार, वो सूट कैसे जा सकता है, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, पानी पी गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये क्या हो गया, ये लग गई मुझे तो, पर कोई बात नहीं, मुझे सूट को ढूंढना पड़ेगा। सूट अरे कहाँ पे ढूंढूं, मेरे पास तो उसका ट्रैकर भी नहीं है, सूट कहाँ मिलेगा मुझे, अरे यार कहाँ ढूंढूं सूट को, वो बहुत ही ज्यादा महंगा सूट था, मेरा सारा का सारा गोल्ड भी चला गया, वो सूट को मैं कैसे ढूंढूंगा, मेरा हल्क बस्टर भी चला गया, जार्विस भी चला गया, इतने बड़े लॉस सेंटर शहर में मैं उसको कैसे ढूंढूंगा। अरे यार मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सारे सारे एवेंजर्स नहीं है कि उसको ढूंढ पाए, अरे यार कैसे ढूंढो उसे, कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा मुझे तो। अरे वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये हल्क बस्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तुम्हारी पेमेंट की जो गोल्ड है ना ये तुम ही रख लो, इस हल्क बस्टर को मैं पहन के पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। अरे वाह अरे हल्क बस्टर चल मुझे पहन ले। अरे बॉस ये आपको खुद पहनना पड़ेगा। अरे मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाती हूँ। अरे वाह क्या लग रहा हूँ मैं, अरे ये तो चालू भी हो गया, अरे वाह ये तो बहुत ही है, अब मुझे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ये साइंटिस्ट किसी को भी बता सकते हैं कि इन्होंने मेरे लिए काम किया है, इसलिए मुझे इनको खत्म करना होगा। सॉरी साइंटिस्ट लोग, ये लो किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये लो सब किसे मर जाओ, साइंटिस्ट सॉरी मैंने तुमको मारा, पर मुझे मारना जरूरी था, वरना तुम किसी न किसी को बता देते कि तुमने मेरे लिए काम किया है, पर कोई बात नहीं, अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, अब मैं जाऊंगा और पूरे के पूरे लॉस सेंटर्स शहर में तबाही मचाऊंगा, और कोई भी एवेंजर मेरे सामने नहीं आ सकता, ये लो पूरे लॉस सेंटर्स, तुम्हारे लॉस सेंटर्स में तबाही मचेगी, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोलती गिर गया मैं, पर कोई बात नहीं सबको फोड़ दूंगा सबको। अरे मैं कैसे पता करूँ कि वो कहाँ पे, यार मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, अब मुझे लगता है एवेंजर्स को बुलाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अगर मैं उसको अकेला ढूंढूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और वो मुझे मिल भी गया तो जिसने भी उसको चुराया है तो वो मुझे मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूट है, तो मुझे उसको ढूंढने के लिए सारे सारे एवेंजर्स को बुलाना ही पड़ेगा, खास करके हल्क को, जल्दी से उनको मैसेज भिजवाता हूँ, अभी यहाँ से चलते हैं। तो गाइस सर आज आपने देखा कि यार टोनी स्टार्क ने गोल्डन हल्कबस्टर बनाया था जो कि हो चुका था चोरी, और फिर एक यार माफिया ने उसको यार बिल्कुल अपग्रेड करवा के बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला हल्कबस्टर बना दिया, जिससे वो पूरे पूरे लॉस सेंटर्स पे हमला कर रहा है, आयरन मैन उससे अकेला लड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो आयरन मैन अभी बुलाने वाला है एवेंजर्स को। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो, अगर आपको उसका पार्ट टू देखना तो कमेंट कर देना पार्ट टू, और गाइस सर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जॉइन और फॉलो कर लो, और गाइस सर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।